तो सबसे पहले हम ये चीज को जानते हैं कि एडवांस एक्सल होता क्या है, या सर बेसिक बट एक्सल मैं, एडवांस एक्सल में दोनों में हाँ क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग चीजें जी, हैं, या कोई अलग सॉफ्टवेयर है, या एक ही सॉफ्टवेयर कुछ अलग अलग पार्ट है। ठीक जी है, सर, देखिए माइक्रोसॉफ्ट कभी भी कोई चीज ऐसा नहीं बताता है कि हाँ ये जो है ऑप्शंस बेसिक है, ये ऑप्शंस एडवांस है। ठीक है, जी क्या हुआ, 6 4 10 नहीं वन बाई वन हो रहा है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताता है, राइट? अब इससे निकल, जी जी एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बेसिक एडवांस चीजें क्या होती है। चलिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मेरे पास यहाँ पे 20 जी है और यहाँ पे 30 है, राइट? अब मैं अगर 20 को जी 30 के ऊपर पेस्ट करता हूं तो क्या होता है, 30 रिप्लेस बाय 20, कॉपी पेस्ट, ट्वेंटी पता होगा इतना तो। लेकिन इसी में अगर मैं जी पेस्ट स्पेशल करता हूं, क्या करता हूं, पेस्ट स्पेशल, पेश कर सकते सर, पेस्ट स्पेशल में मेरे पास क्या है, ऑपरेशंस है। क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑपरेशन में मैं यहां अगर ऐड पे क्लिक किया तो दोनों के बीच में एड एडिशन होगा और रिजल्ट जो है हमारा 50 वो पेस्ट होगा। हो गया फोर सर? फिफ्टी या जी मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आपका 1000 है वो 1000 यहां पेस्ट होगा। ये चीजें जी बेसिक समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, जी जी बेसिक। बेसिक अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि एडवांस क्या है। तो चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं परसेंटेज के ऊपर। अब मुझे एक्सेल में परसेंट लिखना है तो मैं यहां अगर 20% लिखूं और एंटर प्रेस करूं तो 20% आ जाता है। लेकिन मैं 20 टाइप करके एंटर जी मार के फिर सिलेक्ट करके ऊपर परसेंटेज का सैंपल दूं तो 2000% आता है। तो यहाँ 1 इक्वल टू क्या होता है, जी 100%। 1 इक्वल टू 100%, हंड्रेड मतलब मुझे यहाँ 0.20 टाइप करके फिर परसेंटेज देंगे तो परसेंटेज आया जाएगा। मतलब परसेंटेज में टाइप करने का दो ही जी तरीका है, या तो मैं 20 लिखूं परसेंट का सिंबल दूं देन एंटर मारो, राइट सर, या फिर जीरो जी पॉइंट टू जीरो लिखूं देन उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करूं, या आपको पता है कि जी मुझे टाइप करना ही है, परसेंटेज ही टाइप करना है तो इसको परसेंट के फॉर्मेट में पहले डाल दो देन टाइप करो। क्लियर है? मतलब जी एक जी प्रॉब्लम होती थी कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक फाइल भेजा करते थे। अभी बहुत छोटी सी एग्जाम्पल, क्योंकि बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ से बाहर चला जाएगा, इसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझ पाए कि बेसिक और एडवांस में क्या फर्क तो है। तो मुझे डेटा भेज दिए कुछ इस तरह से। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको परसेंटेज में कैसे जी कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर मैं परसेंट का सैंपल देता हूं तो 28,000 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, ट्वेंटी क्योंकि जाहिर सी बात है 1 इक्वल टू 100% होता है। जी तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक ही क्लिक करूं और परसेंट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 0.2 है। लेकिन एक बार में कैसे करूं, राइट ना, क्योंकि 1 बाय 1 करना, अभी तो छोटा डेटा जी आपके पास जो है 20-25 सेल्स में है, 50 से 54 सेल्स है, तो चलो आपको ये करीब 5-7 मिनट लगेगा। लेकिन डेटा अगर मान लीजिए ये अगर हजारों लाखों में हुआ तो काफी टाइम लगेगा ना। अब ऐसा चाहिए क्या? जी देखिए होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए 5000 का मुझे 20% निकालना है, तो 20% अगर परसेंट फॉर्मेट में है तो इजिली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे,
समझ गए? जी अगर 20 इन द नंबर फॉर्मेट में हुआ इस तरह से, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा, मुझे इसको नीड करना होगी डिवाइड बाय 100 करने की, डिवाइड बाय 100 करने की। अब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो फॉर्मूला चेंज होगा, जो कि नहीं करना चाहते। तो मैंने क्या किया, एक सेल पे 100 टाइप किया, और जो मैंने मेथड यहां इस्तेमाल किया था ना, उसी मेथड को मैं इसको कॉपी करता हूं और पूरे सेल को सिलेक्ट कर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें कर देता हूं मैं डिवाइड, ठीक है। तो सारे नंबर जब 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड होते ही क्या होगा, सारे डेसिमल, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट, या डेसिमल को अगर परसेंटेज में कम देंगे तो कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे देखिए सर, सेम फीचर्स मैंने सीट 5 पे बताया आपको, बेसिक कंसेप्ट करके आपको अलग हो गया, ऐसी है ये, इतना तो यूज होगा। लेकिन जब एक प्रॉब्लम क्रिएट किया मैंने, दिख रहे सर, एक प्रॉब्लम क्रिएट किया देन इसका सोल्यूशन बताया, तो आपके दिमाग में चोगे नहीं, नहीं ये तो अच्छी चीज है, समझे? जी जी। अब इस तरह से एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नेम है और यहां पे सेल्स है जी, ठीक है। अब मुझे इसको हर तीसरे का सम निकालना है, मान लीजिए हर तीसरे को फिल्टर करके अलग करना है, ठीक है सर, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा, इसको 60 को कॉपी कर लेना है यहां रखना है, फिर यहां पे पहला दूसरा तीसरा इसको कॉपी करना है यहां रखना है, कैसे होगा, मैनुअल तो नहीं होगा ना सर? चलिए एक इसको छोड़िए, एक फॉर्मूला बताते हैं मोड का, कौन सा फॉर्मूला बताते हैं जी, मोड का। मोड, मोड क्या करता है, आप देखिए आप हिंदी में से पढ़े होंगे तो सेंसपल जानते होंगे सर, जी जी, 5 and 14 होता है, तो सेंसपल निकालता है कि अगर हम 14 को 5 से डिवाइड करें तो सेंसपल क्या आएगा, 4 आएगा ना, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर निकालते हैं क्या जी, यहाँ पे हमने 14 दिया जी जी सर, और ये हमारा 5 हुआ, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 10 आएगा जी सर, और मेरा बेटा कहता है कि 1-1 कट्टन कुट्टी हो जाता है। तो ये जो 4 है ना, ये 4 मोड निकालता है जी, और बोलोगे सर जो 4 मोड लगाता है निकालता है इसी, इसका क्या कनेक्शन, कनेक्शन है मैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, रो का, रो में -1 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 एक सीरियल नंबर आ जाएगा, या मैनुअली 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं। हम इसी फॉर्मूला को मोड के अंदर में दे दिया और 3 कर दिया, तो जो 3 से डिवाइड होंगे, 3 का मल्टीप्लेक्स होंगे, उसका मोड तो 0 आएगा ना, क्या सर? जी जी सर। तो जो 0 आएगा वो हर तीसरा नंबर है, और तो फिल्टर भी उठा सकता हूं ना जी। तो अगर मैं सिर्फ मोड पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे सर मैथमेटिक लेके बैठ गए तो दूसरी क्लास में बच्चे बनाते हैं क्या जी। लेकिन जब इसी चीज को जब आपके एक रियल टाइम प्रॉब्लम से कनेक्ट किया तो आपको समझ में आए कि नहीं, दिट इज गुड। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है इसी तरह से चीजें की जाती है, हर एक चीज को हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो है इसकी पीडीएफ फाइल आपको भेजी थी, देखे रहे होंगे आपने क्या जी जी सर। तो इस पीडीएफ फाइल में हमने एडवांस एक्सेल बिट फॉर्मूला को कवर किया है, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को जरूरत पड़ती है,
एक वर्किंग प्रोफेशनल को जो जरूरत पड़ती है वो सारी चीज मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन 35 to 45 hours, जो कि ये आपका एवरेज है। ये 50 आवर्स भी हो सकता है, 30 आवर्स भी हो सकता है, ये आपके लर्निंग स्किल्स पे डिसाइड करता है। जी ठीक है, तो सर ये जो जितने भी सर ये जो है ये सिलेबस